नमस्कार दोस्तों, आप अपने रोजाना की जिंदगी में बहुत से कार्य करते हैं जिनमें कुछ फिजिकल और कुछ ऑनलाइन होते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपनी ऑनलाइन भरी जिंदगी के बारे में तो इसमें हमारी एक अलग दुनिया बसी हुई होती है जिसमें हम इससे कई प्रकार से जुड़े हुए होते हैं और हमें जुड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप। यही वह एप्लीकेशन है जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया में इन्हें एक आवश्यकता टूल्स के रूप में उपयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन के बिजनेस मॉडल के बारे में तो जहां तक हमें पता है यह एप्लीकेशन अपने इनकम एड, प्रोडक्ट प्रमोशन और प्रोडक्ट सेल करके ही कमाती है और आप भी इसके बारे में अच्छे से जानते ही होंगे क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन में हमें कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई प्रोडक्ट का एड रन करते हुए नजर आ ही जाएगा। लेकिन फ्रेंड, यदि आपने कभी गौर किया हो तो हमें ये सब कुछ व्हाट्सएप में देखने को नजर नहीं आएगा। तो क्या इसका मतलब व्हाट्सएप कोई पैसे नहीं कमाता है या फिर व्हाट्सएप का कोई दूसरा बिजनेस मॉडल है? लेकिन ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप भी पैसा कमाता है बट उसका बिजनेस मॉडल बाकी एप्लीकेशन से जरा हटकर है, जिसे हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड, और ज्यादा देरी किए बिना करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आज दुनिया भर में व्हाट्सएप के 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, यानी पूरी दुनिया में लगभग 25% लोग इसका उपयोग करते हैं और यह एप्लीकेशन फ्री टू यूज है, यानी एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी व्यक्ति से कोई सर्विस चार्ज और टैक्स नहीं लिया जाता है और ना ही यह किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट या प्रोडक्ट सेल करती है। लेकिन यह पैसे कैसे कमाती है भाई? तो फ्रेंड, इसके लिए हमें व्हाट्सएप के पुराने इतिहास को देखना होगा। तो दोस्तों, व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में दो व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। उनका नाम जेन कोम और ब्रेन एक्टन था। इसे बनाने का विचार जेन कोम को आया था क्योंकि जेन कोम जिम बहुत जाया करते थे। इस वजह से इनके दोस्त जब भी इन्हें कॉल करते तो यह उनका कॉल रिसीव नहीं कर पाते थे। लेकिन एक दिन इनके दिमाग में विचार आया, क्यों ना ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की जाए जिससे कोई भी व्यक्ति अपने स्टेटस को बता सके, यानी आप कोई भी काम कर रहे हो उसे एक स्टेटस के थ्रू बताया जा सके जिससे कि सामने वाले को बिना कॉल किए ही पता लग जाए कि दूसरा व्यक्ति क्या काम कर रहा है। फिर इसी आइडिया से इन्होंने एक ऐप डेवलप की जिसका नाम था व्हाट्सएप, जिसमें केवल कोई व्यक्ति अपने स्टेटस के थ्रू केवल अपने हाल को ही बता सकता था। शुरुआत में इससे कोई भी मैसेज, फोटो या वीडियो साझा नहीं किया जा सकता था, लेकिन लोग इस स्टेटस का उपयोग एक मैसेज के रूप में करने लगे थे। इसे देखकर उन्होंने इसे एक फ्री टू यूज मैसेंजर ऐप बना दिया। लोग इसे बहुत तेजी से यूज करने लगे जिस कारण यह कुछ ही महीनों में टॉप 10 ऐप की लिस्ट में शामिल हो गया, जिससे इनके पास फंडिंग और इन्वेस्टमेंट आने लगी, जिसे यह अपनी व्हाट्सएप टीम और व्हाट्सएप को ग्रो कराने पर खर्च करने लगे। लेकिन व्हाट्सएप के सामने उन दिनों सबसे बड़ी चुनौती SMS भेजने की थी। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप को उन दिनों न्यू यूजर्स को OTP के रूप में भेजे जाने वाले मैसेज का सबसे बड़ा खर्च लग रहा था। इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप यूजर से $1 एक साल चार्ज करने लग गए, जिससे इन्हें एक अच्छी इनकम जनरेट होने लगी और व्हाट्सएप एक प्रॉफिटेबल ऐप बन चुकी थी। एकदम का कहना था कि वह अपनी एप्स में किसी भी प्रकार का कोई एड या कोई फालतू का प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहते, उनकी ऐप से टू द पॉइंट हो। लेकिन फ्री एंट्री होती है हमारे मार्क भैया की, जिनने पूरे व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल को तहस नहस करके रख दिया। फरवरी 2014 में मार्क जुकरबर्ग ने इसे $19 बिलियन में खरीद लिया। मार्क जुकरबर्ग ने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर के लिए कॉम्पिटिटर था, क्योंकि व्हाट्सएप एक भरोसेमंद और एक अच्छी सर्विस देने वाली ऐप थी। मार्क ने सोचा क्यों ना इस व्हाट्सएप को ही खरीद लिया जाए, जिससे उनका कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाएगा। और मार्क व्हाट्सएप डाटा के थ्रू और भी पैसा कमाना चाहता था। इससे एकदम और कॉम रातों रात बिलियनेयर बन गए। लेकिन यह दोनों व्हाट्सएप को बेचने के लिए क्यों एग्री हो गए? तो मार्क ने इनके सामने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें कहा था कि वह व्हाट्सएप के कार्य करने के तरीके में कोई भी बदलाव नहीं करेगा और व्हाट्सएप जैसे आज ऑपरेट कर रहा है वह आगे भी ऐसे ही ऑपरेट करेगा, जिससे यह दोनों एग्री हो गए। फिर समय आता है जनवरी 2016 का और मार्क जुकरबर्ग व्हाट्सएप से $1 का चार्ज हटा देते हैं, जिसे हटाने का कारण बताया जाता है कि इंडिया जैसी कंट्री के लोग इस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसे हटाने का फैसला लिया ताकि जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ भी इस एप्लीकेशन से जुड़े और व्हाट्सएप के दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बने। अब सवाल यहाँ था कि व्हाट्सएप से पैसे कैसे कमाए जाए। सब लोग सोच रहे थे कि मार्क बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करके पैसे कमाएगा,
वहीं मार्क के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था क्योंकि मार्क ने $19 बिलियन खर्च करके इसे खरीदा था। अब उसे कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे कि व्हाट्सएप के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हो। फिर मार्क ने व्हाट्सएप के फाउंडर के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, जिससे तंग आकर 2017 में ब्रेन एक्टन और जेन कोम ने कंपनी को छोड़ दिया। उसके बाद तो व्हाट्सएप पर मार्क जुकरबर्ग ने अपना कब्जा जमा लिया। मार्क 2018 में लेके आए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप, जिसमें बिजनेस को वेबसाइट, फेसबुक पेज और भी कई सारी लिंकों से एक साथ जोड़ा जा सकता था। अब इससे फेसबुक की ग्रोथ में इजाफा हुआ क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी वेबसाइट के थ्रू व्हाट्सएप बिजनेस पर आएगा तो वह उस बिजनेस के फेसबुक पेज पर भी जा सकता है। वैसे तो यह व्हाट्सएप बिजनेस फ्री टू यूज है, लेकिन यह कुछ सर्विस के लिए चार्ज करती है जो इसका एक बड़ा इनकम का सोर्स है। व्हाट्सएप का दूसरा जो इनकम का मॉडल है वो है पे टू मनी। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप इस फीचर को कुछ महीनों पहले ही लेके आया है। हालांकि यह आम लोगों के लिए फ्री है, लेकिन बिजनेस के ऊपर कुछ चार्ज करता है जिससे यह पैसे कमाता है। अब व्हाट्सएप पर एड आने की खबर भी सुनी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में हमें व्हाट्सएप के स्टेटस पर एड दिखने को मिल सकता है, इससे यहाँ एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो फ्रेंड, आपकी क्या राय है, व्हाट्सएप पर एड आने चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और थोड़ी बहुत जरूर हेल्पफुल रही होगी। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।